हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों के आंदोलन में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को अंबानी अडानी में बांटा। कृषि संकट से निपटने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि अगर पीएम मोदी अपने 15 सबसे अमीर दोस्तों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उन्हें देश के करोड़ों किसानों का कर्जा भी माफ करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को अंबानी अडानी में बांट भी दिया है। बता दें कि शुक्रवार को किसानों के प्रदर्शन के एक बार फिर विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी, केजरीवाल, शरद यादव, सीताराम येचुरी समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए मौजूद रहे। दोस्तों, राहुल गांधी के बाद किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो वो 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में कयामत ढा देंगे। वहीं किसानों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि अगर 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। राहुल ने कहा, किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है। पीएम ने वादा किया था बोनस का, एमएसपी का, आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी की जेब में जाता है, किसान ये भी नहीं चुन सकता कि कौन सा बीमा ले। मोदी ने हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी में कहीं अडानी में। राहुल गांधी यही नहीं रोके दोस्तों, उन्होंने राफेल डील पर अपने पुराने आरोपों के संदर्भ में कहा, हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा। किसान पूछ रहा है कि अगर अनिल अंबानी को वायुसेना का पैसा दे सकते हो, 15 अमीर मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हो तो हमारा भी माफ करो। राहुल ने विपक्षी एकता की बात करते हुए कहा, हम सबकी विचारधारा अलग है लेकिन किसान और युवाओं के लिए हम सब एक है। चाहे कानून बदलना पड़े, सीएम बदलना पड़े या पीएम बदलना पड़े, हम बदलेंगे। पूरे देश से हिंदुस्तान के किसानों और युवाओं की आवाज है जिसे आप चुप नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर केवल बड़े उद्योगपतियों का फेवर करने का आरोप लगाया। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी जी के मुंह से केवल हिंदुस्तान के सबसे 15 अमीर अनिल अंबानी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। 5 साल पहले हम सब ने कहा था कि अगर कोई सरकार हिंदुस्तान के किसानों का अपमान करेगी, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करेगी तो उस सरकार को हिंदुस्तान हटा कर रहेगी। आप देश को भोजन देते हो, आप 4 बजे सुबह उठकर देश को अपनी खून पसीना देते हो। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, कोई पार्टी नहीं चलाती है, इस देश को किसान, मजदूर, छोटे व्यवसाय चलाते हैं। राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, मोटे तौर पर 3 मांगे समझ में आती है। जितना कर्जा किसानों का है वह सारा माफ होना चाहिए। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग का, उसे लागू किया जाना चाहिए। किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों अपना हक मांग रहे हैं। सरकारें एमएसपी निर्धारित कर देती है लेकिन इस दाम पर कोई नहीं खरीदते। किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार ने जो फसल बीमा योजना है उसे, यह फ्रॉड है, किसानों के साथ धोखा है। वो बीजेपी की किसान डाका योजना है। इस बीमा योजना को बंद करो। 3 साल से जितने पैसे लिए हैं किसानों से उसे वापस करो। इस जगह किसान मुआवजा योजना लाओ। केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली के किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। भारत की किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। अगर दिल्ली सरकार ऐसा कर सकती है तो क्या मोदी सरकार ऐसा नहीं कर सकती? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी चिंता अंबानी अडानी की रहती है उसका 10% किसानों की चिंता कर लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अगली बार वोट भी अंबानी अडानी से ही मांगना। बता दें कि कृषि संकट से निपटने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में बृहस्पतिवार से डेरा डाले देश भर से आए हजारों किसानों की शुक्रवार को संसद मार्च की कोशिश की। हालांकि दिल्ली के पुलिस ने उन्हें कुछ पहले ही रोक दिया है। हालांकि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले रामलीला मैदान में संसद मार्च कर रहे किसान आंदोलनकारी अब संसद मार्ग थाने पर ही सभा कर रहे हैं। आंदोलन का समर्थन कर रहे लगभग 200 किसान एवं सामाजिक संगठनों और 21 राजनीतिक दलों के नेता संसद मार्ग थाने पर किसानों के बीच मौजूद रहे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।